अपने माता पिता समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या में दोषी शबनम अली फांसी के तख्ते से चंद कदमों की दूरी पर है। माना जा रहा है कि शबनम की फांसी के लिए कभी भी कोर्ट से डेथ वारंट जारी हो सकता है। इस बीच उत्तर प्रदेश के रामपुर जेल में रह रही शबनम का एक महिला बंदी के साथ फोटो वायरल होने पर हड़कंप मच गया। इससे खफा प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए शबनम अली को रामपुर जेल से बरेली जेल ट्रांसफर कर दिया। इसी के साथ 2 पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की है। दरअसल शबनम का एक महिला बंदी के साथ फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है फोटो रामपुर जिला कारागार परिसर में खींचा गया। मामला संज्ञान में आने के बाद जांच की गई तो आरोप सही पाए गए। इसके बाद कार्रवाई की गई। महिला बंदी रक्षक और एक पुरुष बंदी रक्षक को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही विभागीय कार्रवाई की गई। उधर इंटरनेट मीडिया के जरिए पूरा मामला सामने आने के बाद निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि शबनम को फांसी की तैयारियां तो की जा रही हैं, अब उसे कितनी बार और फांसी दोगे, मारोगे, वो तो वैसे ही जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। निर्भया के 4 दोषियों को अंतिम समय तक फांसी से बचाने का प्रयास करने वाले सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील एपी सिंह ने कहा है कि शबनम का रामपुर जेल से बरेली जेल में ट्रांसफर करना गलत है, इसमें उसका क्या कसूर है। उन्होंने कहा कि ये तो शबनम के मूल अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि भारतीय संविधान जीवन जीने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील का कहना है कि वो रामपुर जेल में ठीक से रह रही थी, उसकी कोई शिकायत भी नहीं थी, उसके व्यवहार को लेकर जाहिर है जेल प्रशासन संतुष्ट था। ऐसे में जेल कर्मचारियों की गलती की सजा शबनम को क्यों मिली? ऐसे व्यक्ति चाहे जेल में ही क्यों ना रहे, उसका मन वहां पर लग जाता है, कुछ लोगों से मन मिल जाता है। ऐसे में शबनम अपना दुख सुख कह बोल लेती होगी। अब केवल इस आरोप पर कि शबनम के फोटो जेल कर्मचारियों द्वारा खींचे गए और वीडियो बनाया गया, ये तो सबको पता है कि फांसी की सजा अपने आप में मानसिक यातना है। फांसी का फंदा हर रात दिन दिखता है। इस दौरान अगर शबनम के जीवन में ऐसे छड़ाते हैं जब वो हंस बोल लेती है तो इसमें किसी का क्या जाता है। अगर इस दौरान जेल प्रशासन के लोग उसकी फोटो खींच लेते हैं तो उसमें शबनम का क्या दोष है। एपी सिंह की माने तो देश में इंटरनेट मीडिया अभी बाल अवस्था में है, अभी लोगों को पता नहीं है कि इसका बेहतर इस्तेमाल होगा और क्या बुरा इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि गलत कार्य तो किसी और ने किया और सजा शबनम को मिली। शबनम को जेल की सलाखों के पीछे हर रोज पल पल मर रही है। फांसी तो एक बार होगी लेकिन इंसान दुनिया से चला जाता है, ऐसी सजा देकर क्यों आप रोज उसे फांसी की सजा दे रहे हैं।